हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक फुल मील की रेसिपी जो कि आप लंच में बना सकते हैं, जिसमें की है आलू का पराठा, मसाला भिंडी और मिर्ची और मूंगफली का रायता। तो आइए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपीज। सबसे पहले मसाला भिंडी बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ भिंडी, 3 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्च। सबसे पहले हम भिंडी को काट लेंगे, इनको दोनों साइड से काट लेंगे। देखिए इस तरीके से हम दोनों तरफ से भिंडी काटते जाएंगे। अब हम सारी भिंडी में एक एक करके कट लगाएंगे। ये देखिए बीच में से इस तरीके से कट लगाते जाएंगे और चेक भी करते जाएंगे कि भिंडी ख़राब तो नहीं है, और साथ ही साथ सारी भिंडियों में हम कट लगा लेंगे। अब हम भिंडी को हल्का हल्का भूनेंगे। मैं गैस पे इस तरीके से भिंडी को रख देती हूँ, एक जाली पे आप रख सकते हैं, और उसे पलटते रहेंगे ताकि भिंडी हर तरफ से भुन जाए और एक स्मोकी फ्लेवर आए। जब तक हमारी भिंडी भुन रही है, हम यहाँ पे टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। छोटा छोटा चॉप कर लेंगे हम टमाटर। टमाटर हमारे सारे कट चुके हैं। अब हम भिंडी चेक कर लेंगे और इन्हें दूसरी तरफ पलट देंगे ताकि हर तरफ से भिंडी भुन जाए। जब तक भिंडी हमारी दूसरी तरफ से भुन रही है, हम यहाँ पे मिर्ची कट कर लेंगे। मिर्ची को हमें छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, इस तरीके से चॉप करना है। अब हम अदरक छील कर कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। आप चाहे तो अदरक को ग्रेट भी कर सकते हैं। अब हम एक छोटे बोल में भिंडी में भरने के लिए मसाला बना लेंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ नमक, थोड़ा सा मैगी मसाला, लाल मिर्च पाउडर और साथ ही हम लेंगे थोड़ी सी खटाई के साथ ही हम ले रहे हैं धनिया पाउडर। थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ये सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में हमें इसमें काला नमक और डालना है। इसे मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा काला नमक डाल दूंगी और ये हमारा भिंडी में भरने के लिए मसाला रेडी है। ये देखिए हमारी भिंडी हर तरफ से भुन चुकी है। अब हम इन्हें गैस से उतार लेंगे। साथ ही मैं रख रही हूँ एक पैन को गैस पर और मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ इसमें। हम तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे और साथ ही हम भिंडी को भरना शुरू कर लेंगे मसाले से। ये देखिए इस तरीके से हमें मसाला भरना है भिंडी में, जो हमने कट लगाया था ना उसके अंदर हमें अच्छे से मसाला भरना है। भिंडी को भूनने के बाद में भिंडी में एक स्मोकी फ्लेवर आएगा। देखिए मेरी ऑलमोस्ट सारी भिंडी भर चुकी है। पैन में हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अब हम सबसे पहले ऐड करेंगे
कटा हुआ अदरक, साथ ही हम ऐड कर देंगे टमाटर जो हमने काट के रखा था। और इसे थोड़ा सा चला लेंगे। हमारी भिंडी में भरने वाला मसाला जो हमारा बच गया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और टमाटर को चला लेंगे वापस। ये देखिए टमाटर हमारा पकने लगा है। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे। कम से कम 5 मिनट टमाटर को पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाला भरी हुई भिंडी। भिंडी ऐड करके हम इसे वापस से मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर का मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाए भिंडी के साथ में। और इसे एकदम कम गैस पर ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। याद रहे गैस को एकदम कम रखना है। अब हम तैयारी कर लेंगे रायता बनाने की। रायता बनाने के लिए हमें चाहिए दही, मोटी वाली हरी मिर्ची, मूंगफली और काला नमक। मिर्ची का रायता बनाने के लिए सबसे पहले हमें मोटी वाली हरी मिर्च को गैस पर भूनना है। इस तरीके से जाली पर रख करके आप मिर्ची को भून सकते हैं जैसे हमने भिंडी को भूना था। हमें हर तरफ से पलट पलट कर मिर्ची को भून लेना है अच्छे से। यहाँ पर साथ ही हम कुछ लहसुन की कलियाँ भी भूनने के लिए रख लेंगे। ये भुना हुआ लहसुन काट के भिंडी के ऊपर गार्निश करने के लिए काम आने वाला है। हम इस तरीके से गैस पर इसे भून लेंगे। जब तक हमारा मिर्ची और लहसुन भून रहा है हम एक तवे पर मूंगफली भून लेंगे। हमें कच्ची मूंगफली नहीं डालनी है रायते में, हमें मूंगफली भून करके डालनी है। ये देखिए हमारी मिर्ची और लहसुन भून चुका है। हम इसे गैस पर से उतार लेंगे और जो ऊपर ब्लैक लेयर बना है ना भूनने की वजह से, हम उसे नाइफ की मदद से निकाल देंगे। जितना हो सकता है आप निकाल दीजिए। बहुत ज़्यादा जहाँ पर जला हुआ है वो सब पार्ट आप निकाल सकते हैं। अब हम इसमें स्लिट लगा लेंगे बीच में से और इसके अंदर के सारे बीज निकाल देंगे। देखिए सारे बीज मैंने निकाल दिए हैं। अब हम इसके इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस काट लेंगे। इसी के साथ जो हमने लहसुन भुना था हम लहसुन को भी कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। लहसुन हमारा भिंडी के ऊपर गार्निश के लिए काम आने वाला है। अभी हमें लेना है दही जिसको हमें थोड़ा सा चम्मच की सहायता से फेंट लेना है। उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें मिर्ची, थोड़ा सा काला नमक और स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मूंगफली जो कि हमने भून कर रखी थी और इस तरीके से चम्मच की सहायता से मिला लेंगे। आप चाहे तो मूंगफली का छिलका निकाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही ऐड किया है। अब हम बनाएंगे इसका तड़का। तड़का बनाने के लिए हम ले रहे हैं 1 चम्मच। इसे गैस पर इस तरीके से गर्म होने रख देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, थोड़ा राई और 2 चुटकी हींग। प्योर हींग थोड़ी ही काफ़ी होती है इसलिए मैंने थोड़ी सी ही ली है। देखिए हमारा तड़का तैयार है। अब हम इसे इस तरीके से रायते में मिला देंगे। ये
देखिए हमारा मिर्ची और मूंगफली का रायता तैयार हो चुका है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम बना लेते हैं आलू के पराठे की स्टफिंग, जिसके लिए मैंने आलू उबाल कर रखे हुए हैं। हम आलू छील लेंगे, साथ ही हमने ली है प्याज और थोड़ी हरी मिर्च। ये देखिए इस तरीके से हमें सारे आलूओं को छील लेना है और प्याज को छोटा छोटा कट कर लेना है। यहाँ देखिए मैं हरी मिर्ची भी छोटा छोटा कट कर रही हूँ, प्याज मैंने कट करके रखी है। हम इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को आलू के पराठे के स्टफिंग में ऐड करेंगे। अब हम आलूओं को मैशर की सहायता से इस तरीके से मैश कर लेते हैं। आलू आप जितना अच्छे से, जितना फाइनली मैश करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आलू हमारे मैश हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मैं यहाँ डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ प्याज। इस सारे मिक्सचर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारे आलू के पराठे की स्टफिंग बन चुकी है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। आलू का पराठा बनाने के लिए हमने जो आटा गूंद कर रखा था उसको हम थोड़ा सा और गूंद लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ, रिफाइंड ऑयल ऐड करने से पराठे हमारे सॉफ्ट बनेंगे। हमारा आटा रेडी है पराठे बनाने के लिए। इस तरीके से हम लोई तोड़ेंगे, लोई हमें थोड़ी सी ज़्यादा तोड़नी है। और ये भरवा आलू के पराठे बनाने के लिए हमें आटे को पतला ही रखना है, जितना पतला रहेगा आटा उतना ही अच्छा है। देखिए हमने इस तरीके से इसको बेल लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे स्टफिंग। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच स्टफिंग ली है। इस तरीके से हम इसे रैप कर देंगे, लोई को बंद कर लेंगे और इसे प्रेस कर देंगे और सूखा आटा लगा लेंगे। सूखा आटा लगाने के बाद हम इसे हाथों की सहायता से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और उसके बाद हल्के हाथों से बेलन की सहायता से इसे बेलेंगे पलट पलट कर। हल्के हाथों से इसलिए बेलना है ताकि हमारा पराठा फटे ना किसी भी साइड से। ये देखिए हमारा पराठा बन चुका है, अब हम इसे गरम तवे पर सिकने के लिए डाल देंगे। पराठा बनाने के लिए मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको अगर रिफाइंड ऑयल पसंद है तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन देसी घी में आलू के पराठों का स्वाद ही अलग आता है। तो मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करूँगी कि देसी घी ही इस्तेमाल करें। इस तरीके से दोनों साइड से पलट पलट के आपको घी लगाना है और पराठा सेकना है। गैस को आपको ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, मीडियम रखना है। ये देखिए हमारे पराठे बन चुके हैं और हमारा मील रेडी है। देखिए आ रहा है ना मुँह में पानी, खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, सबको खिलाइए, खुद भी खाइए और मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ में। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।